हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, बस हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर टू डू द मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें एक टॉपिक समझना रह गया है, दैट इज एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। यानी रियल फंक्शंस के अंदर हम कैसे कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ और दो एग्जाम्पल से, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 16 और 17, उनको करके हम खत्म करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस की एक्सरसाइज में भी आपको गिवन है। तो चलिए लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 16। तो एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, सबसे पहले तो एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, यानी अगर आपको दो फंक्शंस दिए हैं सच एज एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया और जी ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया। तो सपोज इन्होंने एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है 2x+1, ये दो आपको फंक्शन दे दिए। अब इन दो के अंदर हम ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं, एडिशन का लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का लगा सकते हैं, डिवीजन का लगा सकते हैं। तो ये चार ऑपरेशन हम इन दो फंक्शंस में हम लगा सकते हैं। तो यही होता है हमारा एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने वही हमारे फंक्शंस बोल रखे कि वही हमें फंक्शंस हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज एफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोल रखा है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यही गिवन है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पता है। एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x+1, बस दिस इज द आंसर। देन सेकेंड पार्ट देखिए, आपको क्या गिवन है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सिर्फ यही दो आपके ऑपरेशन लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, दैट इज एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -2x-1, बिकॉज जी ऑफ एक्स माइनस हो रहा है ना, तो अगर ये ब्रैकेट पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपका, -2x-1। तो इस तरीके के हमने दो ऑपरेशन लगा दिए, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देन थर्ड ऑपरेशन देखिए बच्चों, तो थर्ड ऑपरेशन आपको गिवन है मल्टीप्लिकेशन का, तो वो किस तरीके से लिखा है, एफ ऑफ एफ इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब आपको क्या दोनों की वैल्यू पता है, एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स है आपका 2x+1, तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 into x square, which is equals to 4x³+x² यही होगा। तो दिस इज द आंसर, आई होप, सॉरी ये 4x² नहीं हो जाएगा, 2x³, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो हो गया 2x³+x² देन फोर देखते हैं डिवीजन, वो किस तरीके से दे रखा है, f डिवाइडेड बाय जी ऑफ x विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, यही हो जाएगा बच्चों। तो एफ ऑफ एक्स क्या आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x+1। अब आपको ये तो पता ही होगा, इतनी बड़ी क्लास में आ गए हैं, कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए आपको इधर एक्स की कौन सी वैल्यू मिलेगी कि आपको डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो हम लिख देंगे इधर कुछ इस तरीके से, दैट इज 2x+1 कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, कहीं भी 2x+1 जीरो नहीं होगा। तो इधर से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x इज नॉट इक्वल्स टू -1, और x की क्या वैल्यू नहीं हो सकती, x की वैल्यू -1/2 नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -1/2 एक्सेप्ट -1/2 आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसमें आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर जीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट चलिए आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 17 करके दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, √x, और जी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, x।
तो ये दो फंक्शन आपको गिवन है, तो हमें फर्स्ट ऑपरेशन लगाना है f प्लस जी ऑफ एक्स। तो क्या ऑपरेशन हो जाएगा इसका, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो दोनों ऑपरेशन लग जाएंगे, दैट इज रूट एक्स प्लस एक्स इज द आंसर। देन सिमिलरली हम क्या करेंगे, f माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो f माइनस जी ऑफ एक्स मेरा हो जाएगा f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस एक्स। तो ये हो गया f माइनस जी एक्स। नेक्स्ट हमको बोला है f इंटू जी ऑफ एक्स, यही बोल रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, विच इज इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू एक्स। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर है हाफ इंटू एक्स। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3/2 इज द आंसर। नेक्स्ट हमें बोल रखी है डिवीजन, दैट इज एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, यही होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है रूट एक्स और जी ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, आप देखिए या तो आप लिख दो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वरना अदरवाइज आप सॉल्व करना चाहे तो ये क्या है, एक्स रेज टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स। बेस सेम है लेकिन दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 1/2। मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ, दैट इज एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू हाफ माइनस 1 इज एक्स रेज टू द पावर माइनस 1/2, यही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1/√x, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम्पल नंबर 17। आई होप आपको एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस करना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।